ऑब्जर्वेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी है तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट आप लोगों के लिए है। जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ का ऑब्जर्वेशन है, पिछले काफ़ी टाइम से 2:50 पर यहाँ पर एक बड़ी हलचल होती है, 2:50 पर यहाँ पर एक बड़ी हलचल होती है, 2:50 पर यहाँ पर एक बड़ी हलचल होती है। नॉट ओनली दिस 3 डेज दोस्तों, और पीछे आप लोग बैक हिस्ट्री पे 2:50, 2:55 के आसपास का आप जब भी यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक देखेंगे तो एक बड़ी हलचल देखने को मिलती है। तो फ्रेंड, इसके ऊपर कोई मेरी एनालिसिस कुछ भी नहीं, कोई स्ट्रेज नहीं है, जस्ट मैंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पे आप लोगों को ये बात बताई। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे। दूसरा, आज का परफॉर्मेंस, आज जो मैंने स्टॉक दिए थे उनका हम परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे। उसके बाद कल के लिए जो स्टॉक्स देने वाला उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कल की आने की मंडे के लिए। और फिर हम लोग जो स्विंग ट्रेड के स्टॉक के बारे में फ्रेंड्स बात करने वाला हूं मैं आप लोगों। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड विथ अस दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस दिखा दूंगा इसके बाद। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जो मैं स्टॉक्स देता हूँ, एग्जाम्पल मैंने दिया था भाई आज HCL टेक्नोलॉजी में, तो एक ही लाइन ड्रा हुआ है बात, ओके ITC, ओके पहला एग्जाम्पल दोस्तों मैं ITC लूंगा। उसमें ये लिखा है कि भाई ओपनिंग शुड बी इनसाइड द ट्रेंड लाइन। जो मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने ये दो ट्रेंड लाइन ड्रा किया है, तो ओपनिंग शुड बी इनसाइड द ट्रेंड लाइन। तो पहली कंडीशन, ओपनिंग इन ट्रेंड लाइन के अंदर होनी चाहिए। दूसरी, एंट्री एट सॉलिड बार। जब यहाँ पे फ्रेंड, जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ सॉलिड बार के लिए, इस जगह दोस्तों यहाँ पर कब बना, 9:35 पे यहाँ पे एक सॉलिड बार के साथ क्लोजिंग ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, तब हमको एंट्री लेना है दोस्तों। तीसरी कंडीशन ये, विक्स पे एंट्री नहीं लेना है। इस तरह का फेक ब्रेकआउट होता है तो उस पर हम लोगों को एंट्री बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये सिर्फ 3 कंडीशन दोस्तों हमको ध्यान रखना है। इस तरह की क्लोजिंग बाहर होनी है, सॉलिड कैंडल बनना है तो हमको ट्रेड लेना है, इस तरह फेक ब्रेकआउट विक्स पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो फ्रेंड्स निफ्टी दोस्तों, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ भाई, इसको हटा देता हूँ, इसका काम हो गया है। ऑब्जर्वेशन के लिए आपको बस बताया था कि मैं आपको इस तरह ऑब्जर्व करनी दोस्तों चीज़ों को, डिलीट कर देता हूँ भाई, ओके। तो फिर ये ट्रेंड लाइन मैंने कल ड्रॉ किया था, तो भाई मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन नहीं हुई, ठीक है, मार्केट खुल गया उसके ऊपर। तो ऊपर तो खुलना ही था, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी, ऊपर खुलते हुए इसको ब्रेक डाउन करना था, जो कि नहीं हुआ, तो हमने आज इसमें कोई ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। जब लेवल एक्टिवेट होंगे तभी ट्रेड लेंगे। अब फ्रेंड्स, कल की क्या रणनीति रहने वाली इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा जब नेक्स्ट डे के स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दूसरा, बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी भी मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ। अब बात करते हैं HC, जो मैं नॉर्मल स्टॉक दिए थे दोस्तों, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई, नेक्स्ट हम लोग को परफॉर्मेंस रिव्यू। तो नॉर्मल स्टॉक दिए थे दोस्तों, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू आप लोगों को दिखाया, तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में लेवल की बात करेंगे। तो फिर HCL टेक्नोलॉजी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा HCL टेक्नोलॉजी का यहाँ देख सकते हो दोस्तों, हमने लेवल निकाल कर दिए थे। इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ ये दिख रहा होगा, ये अलार्म टाइप की चीज़। तो फ्रेंड्स, हमको जब भी ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देता है इस तरह, तो ये कितनी बजे हुआ भाई, 9:35 पे। तो फ्रेंड उस टाइम आप लोगों को यहाँ पे 9:35:47 पे इसका अलर्ट आ जाएगा कि क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन, यानी कि ट्रेंड लाइन को क्रॉसिंग अप कर रहा है। ऑटोमेटिक अलर्ट आता है दोस्तों, क्योंकि मैनुअली हम लोग ह्यूमन डिले होता है और उसमें हमारा स्टॉक भाग जाता है। तो आप लोगों को टेलीग्राम पे ऑटो अलर्ट आ जाएगा दोस्तों, अगर आप लोगों को टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करनी, वेरी नॉमिनल कॉस्ट पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह फ्रेंड बेनिफिट है हम लोगों को इस पे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट स्टॉक भारती एयरटेल। तो फिर इसमें हमारा कॉल एक्टिवेट हुआ तो यहाँ पे क्या अलर्ट आया, भारतीय एयरटेल, यस अलर्ट भी आया, 9:17 पे एक्टिवेट हुआ, 9:17 यहाँ पे कहीं हो रहा है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान में, ये देखिए विक्स पे एक्टिवेट हुआ, तो विक्स पे हमको एंट्री नहीं लेना, हमको एंट्री कब लेना है, सॉलिड बार पे, ठीक है। सॉलिड बार कहाँ पर है भाई, ये सॉलिड बार। हालांकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यू टर्न मारा पूरे दिन, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन एंड ऑफ द 2:50 के बाद दोस्तों, ये 2:50 वाला यहाँ भी असर दिखाया दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑब्जर्वेशन है जस्ट, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, SL हिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक दिया था थर्ड मैंने ITC एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि पहली कंडीशन तो फुलफिल हुई, उसके बाद उसने हमारा ब्रेकआउट भी नहीं दिया, ब्रेक डाउन भी नहीं दिया, और उसका अलर्ट भी यहाँ पे नहीं आया। तो कल भी तो दोस्तों इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है,
कल के लिए स्टॉक्स। तो फिर चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कल के लिए जो स्टॉक्स लेकर आओ, निफ्टी से चालू करेंगे भाई। तो निफ्टी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये एक्टिवेट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दोस्तों यहाँ इधर हम लोग थोड़ा सा टाइम दे रहा दोस्तों, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 15 मिनट के चार्ट पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, मैंने पॉज किया था वीडियो। 5 मिनट की जगह 15 मिनट के कैंडलस्टिक पैटर्न में मेरे को ट्रेंड लाइन में दोस्तों बहुत बहुत यहाँ पे स्ट्रांग पैटर्न देखने को मिल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के एनालिसिस पे दोस्तों हमारा ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है। 1% का फ्रेंड्स हम लोगों को यहाँ पे छोटा सा रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। कंडीशन याद रखना दोस्तों जो मैंने यहाँ पर बताई, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस और इसको ब्रेकआउट देगा तो हमारा कॉल बाई, ब्रेक डाउन देगा तो पुट बाई। अब फ्रेंड्स पता कैसे पड़ेगा, पता पड़ने के लिए मैं यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग ट्रेंड लाइन, क्रॉसिंग अप, या फिर ये भी लिख सकता हूँ क्रॉसिंग अप कॉल अपॉर्चुनिटी बाई कॉल। यहाँ पे एक अलार्म का सिंबल आ जाएगा, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे अलार्म का सिंबल आ गया। अब हम नीचे की तरफ में भी पुट के लिए भी कर देते हैं भाई इसको, क्रॉसिंग डाउन, मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, पुट बाई लिख लेता हूँ, पुट बाई। तो ये हो गए दोस्तों दोनों तरफ हमारे अलार्म लगा दिए। अब जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा, और टेलीग्राम आप लोग इजीली ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों वही नॉमिनल कॉस्ट पे लाइफ टाइम के लिए। ओके चलिए अब नेक्स्ट बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों, बैंक निफ्टी में कोई एक्टिवेट नहीं हुआ आज टुडे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल रखेंगे चीज़ों को। मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और इसको भी आगे बढ़ा दिया बस। अब कल ये ब्रेकआउट देगा तो कॉल, ब्रेक डाउन देगा तो पुट, इसमें भी कल यानी कि मंडे यहाँ पर क्रॉसिंग अप, यहाँ पर क्रॉसिंग डाउन। चलिए भाई तो आप लोग समझ जाएंगे दोस्तों क्रॉसिंग डाउन मतलब पुट, क्रॉसिंग अप मतलब कॉल, तो आप लोग यहाँ पर इसका अलर्ट आ जाएगा। चलिए अब बात करें दोस्तों स्टॉक्स के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक क्या था भाई हमारा, स्टॉक्स था। स्टॉक्स के बारे में दोस्तों मैंने जैसा बोला ITC, ये मैंने दिया था एक्टिवेट नहीं हुआ, मैं इसको सिंपल सा आगे बढ़ाता हूँ, 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ दोस्तों। इंट्राडे के स्टॉक्स है तो 5 मिनट में ज़्यादा अच्छा हम लोगों को समझ में आएगा। ओके तो फिर ये मैंने ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ा दिया है। अब जब भी ये इसका ब्रेक, फ्रेंड्स कंडीशन ध्यान रखना है, मार्केट शुड बी ओपन इनसाइड दिस ट्रेंड लाइन, पहली कंडीशन। उसके बाद सॉलिड ब्रेकआउट या सॉलिड ब्रेकडाउन होना है तब हमको एंट्री लेना है। इसका अलार्म आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा जब भी ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा है वो होने वाला है टाटा मोटर्स का। बहुत अच्छी दोस्तों बाई साइड यहाँ पे एक बहुत अच्छा हम लोग को एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसमें भी दोस्तों मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को जैसे ही ये क्रॉस करेगा आप लोगों को इसका अलर्ट, कहाँ गया भाई अलर्ट का सिंबल क्यों नहीं आया, इस तरफ आया, हाँ इस तरफ आ गया, तो आप लोगों को इसका यहाँ पे अलर्ट टेलीग्राम पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिप्ला पे भी दोस्तों बाई साइड की बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है, सिंपल सा डबल टॉप बना है दोस्तों। इसको भी मैं यहाँ पे अलार्म लगा देता हूँ क्रॉसिंग अप। ओके तो चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है कल के स्टॉक्स के बारे में दोस्तों, स्विंग ट्रेड की बात करेंगे दोस्तों। स्विंग ट्रेड के दोस्तों मैं यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है स्विंग ट्रेड का, तो ये स्विंग ट्रेड को मैं इस वीडियो में ऐड करूँगा। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा क्विकली दिखा देता हूँ दोस्तों स्विंग ट्रेड में किस तरह निकाल के देता हूँ दोस्तों। डेली डेली कैंडल बेस्ड पर मैंने यहाँ पर एनालिसिस की है, ग्रासिम, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भी एक दो स्टॉक मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को निकाल के कल इसका वीडियो बनाऊंगा। तो देख सकते हो दोस्तों 1 दिन के यानी कि 12 मई से लेकर 14 जुलाई यानी 2 महीने का एनालिसिस है दोस्तों। और ये स्टॉक 1 डे के कैंडल पे 4 से 5% के अंदर रेंज बाउंड है। इसका मतलब समझते हो दोस्तों, अगर ये इसका ब्रेकआउट देगा तो 5% इसका टारगेट होने वाला है मिनिमम। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेलिंग, क्योंकि जितनी ब्रिड थे उतना है हम लोग टारगेट यहाँ पे मान के चलने वाले हैं। तो फिर इसको
इसको मैं 5-1 मिनट में भी कन्वर्ट करके, 5 मिनट में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा दोस्तों। और भी दो स्टॉक्स हैं उनको भी मैं आप लोग एनालिसिस करूंगा, तो कल उसका वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।